ओम नमः शिवाय। मेरे पास काफ़ी मेल्स आती हैं जिसमें कि 75% मेल होती हैं घरेलू झगड़े की, कि पति बात नहीं सुनता, मारपीट करता है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है। तो ये जो है मेल्स कॉमन है, ये मेरे पास आती रहती हैं। और ये जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं होना चाहिए। अब अगर आपके घर में ग्रह क्लेश है या फिर किसी भी तरह की बाधा है तो अपने घर में ये दो चीज़ अवश्य देखेगा। आपके घर में मदिरा का सेवन कितना होता है? अगर आपके घर में मदिरा का सेवन होता है तो ग्रह क्लेश बना रहेगा। जुआ सट्टा या फिर किसी भी तरह की गाली गलौज होती है तो भी लक्ष्मी जो है वो रुद्र रूप अपना दिखाएगी, आपसे रुष्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का त्याग कीजिए तो आपके घर में बरकत होगी और पैसा पानी की तरह बहेगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह का ग्रह क्लेश हो तो ये दो चीज़ें जो हैं इनको सबसे पहले दूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले जो प्राचीन काल में जो स्त्रियां थी वो अपने पति को अपने वश में करके रखती थी, और उनमें से सबसे बेहतरीन जो उपाय था वो था इत्र का। इत्र एक ऐसी रसायन है जो कि रूहों को पसंद है, और इससे आप किसी की भी रूह को अपने काबू में कर सकते हैं। बहुत पुराना विचित्र मंत्र है जिससे आप इत्र की रसायन को कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे कि सामने वाला आपके वश में हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सामने वाले की रूह को कैद करने के लिए इत्र का प्रयोग होता है। और ये मंत्र इतना सटीक है कि सामने वाला देखते ही देखते आपके कदमों में आ जाएगा। इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। जिसको भी ये चाहिए मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर, जिससे कि मैं उनको आकर्षण का एक ऐसा रसायन दे सकूं जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप जो मेरे नीचे नंबर आ रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी है info@mohiniwidya.com। आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की आपकी चाहे कोई किया कराया हो, ग्रह क्लेश हो, किसी भी तरह की बाधा हो, उसका 24 घंटे में हम समाधान करेंगे। एक बार मेल या फिर कॉल जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।